हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एंगल के बारे में सारी बातें करेंगे। सबसे पहले एंगल क्या होता है? जब भी कभी दो रेज एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो हमको जो फिगर मिलती है वो फिगर एंगल कहलाती है। व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म। व्हाट इज एन एंगल का ये आंसर है। इस एंगल को इस तरीके से, ये इसका सिंबल होता है। कोई भी एक एंगल है उसको हम इससे डिनोट करते हैं। एक बार फिर से इसमें देखिए, बी ए और बी सी ये दो रेज हैं, आपस में किस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं? बी पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो ये जो फिगर बनी ये एंगल कहलाती है। अब इस एंगल में एलिमेंट्स कितने होते हैं? किसी भी एक एंगल में कुल तीन एलिमेंट्स होते हैं, दो आर्म्स और एक वो पॉइंट जिस पॉइंट पर दोनों आर्म्स आकर मिलती हैं, जिसे कि हम कहते हैं वर्टेक्स। आर्म्स का मतलब ये वाली साइड्स। इसमें दो आर्म्स हैं बी ए, दो आर्म्स कौन कौन सी हैं? एक बी ए और एक बी सी, बी सी और एक वर्टेक्स जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्म्स आकर मिल रही हैं, इसमें बी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को सिर्फ एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बी। इस तरह से हम लोगों ने एंगल सीख लिया और एंगल में क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब किसी भी एंगल का अगर हमको नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखा जाता है? एंगल का नाम लिखने के दो तरीके हो, तीन तरीके हैं। तीन में से पहला तरीका यह है, आप तीन लेटर्स में एंगल का नाम लिखें। दूसरा तरीका है, आप सिर्फ एक ही लेटर में एंगल का नाम लिख दें। तीसरा बाद में। सबसे पहले सिर्फ एक लेटर में अगर एंगल का नाम लिखना है तो हमें क्या करना होता है? एंगल का जो वर्टेक्स है सिर्फ उसका नाम लिख दीजिए, एंगल का सिंबल बनाइए और जो उसका वर्टेक्स है उसका नाम लिख दीजिए, बस ये एंगल बी हो गया। तीन लेटर्स में नाम लिखने के लिए जो एंगल का ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं और हमेशा तीन लेटर्स में से बीच वाला लेटर हमेशा वर्टेक्स होना चाहिए है और उसके बाद लास्ट वाला लेटर लिख देते हैं, जैसे ए बी सी। यहाँ पर एंगल का साइन बना दिया। आप नाम लिखना इधर से भी शुरू कर सकते हैं, एंगल सी बी ए, लेकिन रूल वही है कि वर्टेक्स हमेशा बीच में आना चाहिए है। एक और तरीका जो थोड़ा सा बड़े क्लासेस में जाने के बाद बच्चों को आसान लगता है, बार बार इतना इतना सारे नाम लिखने की जगह किसी भी एंगल के अंदर कोई भी एक फिगर, कोई भी एक स्मॉल लेटर या कुछ भी लेट कर लेते हैं और सिर्फ उसी के नाम से उसको लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वन लेट किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने एंगल वन, ये भी आपका चलेगा, इस एंगल के नाम में एंगल वन भी चलेगा। इस तरह से मैंने छोटी सी जानकारी आप लोगों को आज एंगल्स के बारे में दे दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी कि ट्रायंगल के टाइप्स जो मैंने सिखाए थे उससे रिलेटेड। टिल देन बाय।